चलिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता लोकेश शोला इस वक्त जुड़ चुके हैं। लोकेश, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 54 हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो भीलवाड़ा को लेकर है। वहां पर 24 ये तादाद हो चुकी है। कहीं ना कहीं अब हालांकि सरकार पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन पब्लिक को, जनता को अब गंभीरता से सोचना होगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 54 हो चुकी है और इनमें अधिकांश मामले यानी कि 24 मामले जो भीलवाड़ा से सामने आए हैं, और इनमें भी अधिकतर जो मामले हैं भीलवाड़ा में जो आए हैं उनमें भी बांगड़ अस्पताल जहां पहले सबसे पहले पॉजिटिव मरीज सामने आए थे वहीं से इनके जो अधिकतर जो केसेज है वो सामने आए हैं। इसी तरह बात करें तो अजमेर में भी आज नया एक और कोरोना का मामला सामने आया है। हालांकि अजमेर में पहला ये मामला है, इसी तरह आज कुल 4 पॉजिटिव अभी तक जो मामले हैं वो सामने आए हैं, जो गंभीरता से इनकी तीसरा को लेकर ले रहा है। अजमेर में जिस जगह पे जो कोरोना पॉजिटिव मिला है उसके आसपास के क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है और वहां पर गहनता से स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ भीलवाड़ा में भी लगातार चिकित्सा विभाग की टीम लगातार स्क्रीनिंग कर रही है और उनके जो पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं उनके संपर्क में आने वालों को क्वारंटाइन कर दिया गया है ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके, लगातार गंभीरता से काम कर रही है। इसी तरह बात करें तो जयपुर में अब तक 10 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। जिस तरह से जयपुर के माणिकचौक जो रामगंज क्षेत्र में जो 2 नए मामले सामने आए थे उसके बाद में पूरे चारदीवारी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया, वहां पे गहनता से डोर टू डोर जाकर चिकित्सा विभाग की टीम स्क्रीनिंग कर रही है और उन लोगों से जान रही है कि वो किन किन से संपर्क में आए थे उनके बारे में भी सूचना ले रही है। साथ ही बात करें तो ताजा आंकड़ों के 54 ताजा आंकड़े आए हैं। इसी के साथ में 255 व्यक्तियों के करीब जो सैंपल है उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इसमें सबसे अधिक संख्या जो भीलवाड़ा की उनमें 170 के वहाँ के सैंपल है वो उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। जयपुर के 48 जो सैंपल है उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से भीलवाड़ा में जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं उनके संपर्क में आए हुए लोगों के ही अधिकतर सैंपल है और कहीं ना कहीं अंदेशा नहीं हो जाए कि फिर से इनकी और बिल्कुल लोकेश ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता लोकेश शोला हमें ये अपडेट दे रहे थे कि राजस्थान में जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं क्योंकि कई जो टेस्ट जो हुए हैं कई लोगों के उनकी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है, खासतौर से भीलवाड़ा को लेकर और जयपुर को लेकर। तो संभावना जताई जा रही है कि आंकड़े और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। चलिए समय यहाँ पर एक ब्रेक का है, कुछ और खबरों के